गुड फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गाइस आप लोग को हैप्पी नवरात्रि। कैसा जरा आप लोग का नवरात्रि कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइस आज मैंने ये लुक क्रिएट किया एंड रियली इट्स सो ब्यूटीफुल गाइस। तो आज मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे में एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर ले और बगल में एक छोटू सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस जरूर करना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट भी बताना और आप लोग को आगे क्या वीडियो देखना है ये भी कमेंट करना, मैं जरूर वीडियो आप लोग के लिए बनाऊँगी। सो चलिए अब बहुत बातें होते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पर मैं पर्पल का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। कोई भी मेकअप करने से पहले आप प्राइमर ज़रूर यूज़ करें, ऐसे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा एंड आपके फेस पे बहुत देर तक स्टे रहेगा, तो प्राइमर आप ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन फिटमी का फाउंडेशन एंड पॉन्स का बीबी क्रीम, मैं दोनों को मिक्स करके लगा रही हूँ अपने फेस पर एंड डॉट डॉट करके मैं लगाऊंगी और एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। इसको आपको रगड़ना नहीं है, इसको आपको टैप टैप करके अच्छे से ब्लेंड करना है। कंसीलर के लिए यहाँ पर मैं एसक्यू का पेन कंसीलर यूज़ करूंगी और अपने अंडर आइज पे अच्छे से इसको लगा लूंगी एंड जहाँ जहाँ मुझे कंसीलर की ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं इसको लगा लूंगी। उसके बाद यहाँ पर मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए यहाँ मैं ब्लू हेवन का लिप बाम यूज करूंगी एंड फेस को सेट करने के लिए पर्पल का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही मैट फिनिश देता है तो इससे मैं अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूंगी, अच्छे से इसको अपने फेस पर लगा लूंगी। एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ जेल आईलाइनर अपने आईब्रोज को सेट करने के लिए, तो इसी से मैं अपने आईब्रोज करती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मैं हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी अपने आईज मेकअप के लिए। सो यहाँ पर मैं एक ब्राउन शेड लेके अपनी क्रीज पे लगा लूँगी, जब तक मुझे मेरा कलर नहीं मिलता तब तक मैं इसको अच्छे से लगा के ब्लेंड भी करते जाऊँगी। नेक्स्ट एक डार्क ब्राउन शेड लेके अपने इनर कॉर्नर पे एक भी शेप दे रही हूँ मैं। उसी पैलेट में से मैं एक रेड शेड लेके अपने पूरे आईज पे अच्छे से लगा लूँगी। ब्रश में ये अच्छे से पिक नहीं हो रहा था तो इसको अपने फिंगर की ही हेल्प से लगाएं, तो अपने मैं फिंगर से लेके इसको अच्छे से अपने आईज पे लगाऊंगी एंड फिर उसके बाद मैं एक ब्रश लेके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ऐसे दोनों शेड अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। एंड फिर यहाँ पर मैं एक लिक्विड आई शेडो यूज़ करूँगी और इसको मैं अपने हाफ एरिया पे लगाऊंगी, जैसे आप आईलाइनर यूज़ करते हो वैसा ही आपको इसको लगाना, बट इसको हाफ लगाना है अपने आईज पे। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इस स्टेक वर्की का आईलाइनर यूज़ करूँगी एंड इससे मैं एक बहुत ही थिन लाइन अपने आईज पे ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं बेला का काजल यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं अपने हाफ आईज पे ही लगाऊंगी।
मस्करा के लिए यहाँ पर मैं मेबलिन हाइपर कर्ल मस्करा यूज़ करूँगी। ये बहुत बहुत अच्छा मस्करा है, ये मेरा फेवरेट है। आपको फॉल्सेस लगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा अगर ये आप यूज़ करोगे तो। इससे आई लुक बहुत ही अच्छा आता है। पाना का ब्लश पैलेट यूज़ करूँगी मैं। इसमें से एक पाउडर कंटूर लेके अपने फेस को कंटूर करूँगी। ब्लश के लिए मैं उसी पैलेट में का ब्लश यूज़ कर रही हूँ और हाइलाइटर भी इसी में का मैं यूज़ करूँगी। एंड इसको अपने मैं चिक्स बोन पे, चिन एरिया पे, नोज़ पे, फॉरहेड पे एंड अपने ब्रा बोन पे अच्छे से करूँगी। अपने आईज़ को और अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर मैं एक हाइलाइटर शेड लेके अपने इनर कॉर्नर पे अच्छे से लगा लूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं लिपस्टिक के लिए दो ऑप्शन है और यहाँ मैं एक बहुत ही प्यारा सा रेड कलर लेके अपने लिप्स पे लगा रही हूँ और ये सही में बहुत सुंदर है।